नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। 33 साइज का ये डीप नेक गले का ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन है। जितनी लंबाई आपको रखना है 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा, लंबाई आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। शोल्डर 5.5 इंच लिया है, आर्म होल 6 इंच लिया है, गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे, 10.5 इंच गले की गहराई ले ली है। उसके बाद देखिए, हमें इस तरह से पान गले का निशान करना है। यहाँ पर 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए हमने इस तरह से, और देखिए 1/2 इंच नीचे भी बढ़ेगा, और इस तरह पान गले का निशान किया। अब यहीं से इसको कट कर लेना है। अब निकालना है इसको बुकरम के ऊपर। तो इस तरह बुकरम को डबल फोल्ड किया है और बंद वाली साइड मिलाते हुए रखना है। और यहाँ से 2.5 इंच हमने नाप कर इसे रखा, और फिर वहीं से निशान इसके ऊपर करेंगे। तो ये हमने देखिए बुकरम के ऊपर कर लिया। अब 1 इंच और लेंगे बाहर वाली तरफ से, 1 इंच बराबर से मार्क कर लेना है। एक बराबर से हमें लेना है, इसलिए हमने देखिए इस तरह पहले मार्क किया। अब इसको इस तरह मिला देंगे। अब इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा 1 इंच बचा लेंगे ताकि गले की जो चौड़ाई है बराबर बनी रहे, नहीं तो पट्टी तो कम ज़्यादा फैल जाती है। तो अगर ऊपर थोड़ा सा रखेंगे तो वो बराबर रखेगा गले को। तो ऊपर थोड़ा सा बचाते हुए हमने इस तरह से गले को कट कर लिया है। अब हमें कपड़े पर रखते हुए भी कट कर लेना है। इस पर भी बराबर से मिला कर रखेंगे, फिर इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया। अब अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगा लेनी है। बॉर्डर हमारा इस पर लगा हुआ है, तो अस्तर को ऊपर से रखेंगे यानी उल्टी वाली साइड से रखेंगे। और थोड़ा सा मोड़ लिया है अस्तर वाले कपड़े को, और इस तरह से बॉर्डर के बराबर से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा अंदर ही रहे, उसके बाहर नहीं दिखना चाहिए अस्तर वाला कपड़ा। उस बॉर्डर पर पाइपिंग है, तो पाइपिंग के जस्ट नीचे से रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगाई, अब साइड से भी सिलाइयाँ इस पर लगा देंगे। तो ये सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद जो कपड़ा ज़्यादा है उसे कट करके बराबर करेंगे। तो ये हमें कट कर लेना है। उसके बाद गला पट्टी जो है उसे कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, इसे बराबर से इस तरह कट कर लिया। अब हमें लेनी है ये जो गला पट्टी कट की, इसको अस्तर वाले कपड़े पर रखते हुए हमने प्रेस करके पेस्ट कर लिया है। अब ब्लाउज वाला कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर रखकर सिलाई लगा लेनी है। पहले अस्तर पर रखकर इसे प्रेस करके पेस्ट कर लिया है। अब देखिए, जो मेन वाला हमारा कपड़ा है यानी ब्लाउज वाला जो कपड़ा है उसे नीचे रखा, और इस तरह सिलाई इस पर लगाएंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे, बाहर वाली तरफ से भी लगाया और गले वाली तरफ से भी लगाएंगे, क्योंकि पट्टी को हमें कट करके निकालना है। पहले पाइपिंग बनाएंगे नीचे वाली, बाहर वाली साइड से, उसके बाद ही पट्टी को कट करेंगे। तो अब देखिए, बाहर वाली तरफ से इस तरह बराबर से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस पर पाइपिंग बना देंगे। तो ये हमने देखिए इस तरह कट कर लिया। अब इस पर पाइपिंग पट्टी लेना है और इस तरह से पाइपिंग बना देना है। पाइपिंग पट्टी हमने देखिए इस तरह कट कर ली है। अब एक तरफ से मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब इस तरह पाइपिंग को बनाकर तैयार कर लेना है। बाहर वाली साइड से बना लेंगे, फिर गला पट्टी जो है उसे कट करेंगे, फिर गले पर लगाएंगे, उसके बाद गले वाली तरफ से पाइपिंग बनाएंगे।
तो इस तरह आप पाइपिंग बनाते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई पाइपिंग बना ली है। अब हमें इस तरह से पट्टी को कट कर लेना है। तो ये हम पट्टी को हमने कट कर लिया। अब देखिए गले पर मिलाकर इसको बराबर से रखना है। यहाँ पर मिलाकर एक पिन लगा देंगे ताकि ये वाला जो भाग है सेंटर वाला वो बिल्कुल बराबर से लगे। फिर दोनों तरफ से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। वहाँ पर पिन लगी रहेगी तो सही रहेगा इसे लगाने में। तो ये हम पिन को अब यहाँ पर आने के बाद निकाल दिया है हमने और इस तरह पट्टी को लगा देंगे। तो ये हमने देखिए पट्टी लगा दी है। अब हमें पाइपिंग बना लेना है गले वाली तरफ से भी। तो अब इस तरह गले पर पाइपिंग बना देंगे और बाहर वाली तरफ से देखिए अभी जो ये गला पट्टी है इसको खुला ही रखेंगे। इस पर डिजाइन हमें बनानी है। तो ये पाइपिंग पट्टी लगाई। अब इसी साइज की पाइपिंग गले वाली साइज भी बनानी है। तो डबल पाइपिंग का बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। पसंद आए अगर आपको तो आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी डिजाइन है और लुक भी काफ़ी प्यारा आएगा। तो ये देखिए हमने इस तरह से पाइपिंग बना ली है। अब डिजाइन बनाने के लिए हमें पट्टी लेना है। तो ये सीधा कपड़ा हमने कट कर लिया है। अब देखिए इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे और फिर इसे पलट कर सीधा करेंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब इस तरह से पट्टी को पलट लेना है। तो ये हमने पट्टी को पलट लिया। अब हमें कट करनी है। देखिए यहाँ पर अब कट कर लेंगे 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ही लेंगे। एक बराबर से अब हमें पट्टियों को कट कर लेना है। अब देखिए इसको इस तरह लगाना रहेगा। ये पट्टी इस वाली साइड से देखिए खुली है। इसके अंदर डिजाइनों को इस तरह से रखेंगे और लगाते जाएंगे और थोड़ा सा गैप देना है। 2 पॉइंट का गैप देते हुए एक बराबर से सभी डिजाइनों को लगाएंगे। जितना देखिए हमने बाहर ये फर्स्ट वाली डिजाइन जितनी बाहर निकाली है पट्टी की उतनी ही एक बराबर से सारी डिजाइने निकालनी है और बराबर दूरी भी रखनी है। पूरे पर ये डिजाइन इस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए हमने लगा लिया इन डिजाइनों को। अब इन पर लगानी है हमें मोतियाँ। तो हर डिजाइन के बीच में एक एक मोती लगेगी। अब जितना हमने गैप दिया है उसी साइज़ की मोती इस पर लगाएंगे। ज़्यादा नहीं दिया है। ये देखिए मीडियम साइज़ की मोती इस पर लगेगी और पूरे पर इसी तरह से लगा लेना है। ये पट्टी वाले कपड़े पर भी सिलाई लगाना है, सिर्फ नीचे वाले पार्ट पर। ऊपर वाले पार्ट पर सिलाई नहीं लगाएंगे और नीचे वाले पार्ट पर थोड़ा सा पकड़ते हुए ही मोतियाँ लगानी हैं। इसी तरह पूरे पर लगा देंगे। तो देखिए हमने ये मोतियाँ लगा दी हैं। अब हमें लेना है, ये लिया है हमने 2.5 इंच का चकोर कपड़ा और इस तरह से ये डिजाइन बनाएंगे। इससे हम फ्लावर तैयार करेंगे और वो जो कि हमें यहाँ पर गले पर लगाना है तो इस तरह से फ्लावर को बना लेंगे। उसके लिए हमें यही डिजाइन लेनी है। 6-7 डिजाइनें लगेंगी तो बाकी भी हमने बना ली है। अब इसी धागे में सभी को डाल लेंगे।
इस तरह मैंने डिजाइनों को डाल लिया है। लास्ट वाली डिजाइन को इस तरह से धागे को पहले खींच लेंगे, ढीला नहीं रखेंगे, फिर इस तरह सिलाई लगा कर इसे तैयार कर लेना है। तो ये फ्लावर हमने तैयार किया। अब देखिए पट्टी पर यहाँ पर ले आकर पट्टी के ऊपर ही इसको रखेंगे और इस तरह लगा देंगे। अच्छे से लगाने के बाद एक बटन लगा देंगे। अब हमें दो लटकन्स इस पर लेनी है। तो ये देखिए लटकन्स के लिए ये कपड़ा हमने ले लिया, इस तरह और दोनों कपड़ा, और इस तरह से थोड़ा सा गोलाई में कट करते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। अब हमें देखिए इस तरह से लटकन्स बना लेनी है। दो लटकन्स बनाएंगे फिर यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरह से हमें दूसरी भी ले लेनी है। दोनों लटकन हमने ले लिए है। अब इसको देखिए इस तरह धागे में डालना है और फिर इसमें मोतियाँ डाल देनी है। वही मोती लेंगे वो इसी साइज़ की जो यहाँ पर लगाई है गले पर, और 5-6 मोतियाँ इसमें डालेंगे तो आ जाएगी। ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। देखिए ये बॉर्डर से थोड़ा सा 1/2 इंच बॉर्डर से नीचे रहे, बस इतनी बड़ी रखना है। तो इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देंगे। फिर दूसरी लटकन जो है उसको भी इसी तरह से लगा देना है। तो देखिए हमने दोनों लटकन्स लगा दी है। डिजाइन हमारा ये तैयार हुआ। अब लास्ट में इसका प्लेट्स बना देंगे। तो अगर डिजाइन हमारा अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।